राजस्थान के गांव भैंसली में एक परिवार में हो रही मौत और आग लगने के मामले में पुलिस ने बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर बच्चों की मौत का कारण जहर देना और उसके बाद सोडियम से आग लगाने का नाटक करना सामने आया है। एसपी जय यादव का कहना है कि भूप सिंह पूर्णिया के परिवार के 3 सदस्यों की 1 महीने के अंदर संदिग्ध मौत होने के बाद भी थाने में किसी प्रकार का मामला दर्ज नहीं करवाया गया। इसके बाद घर में अचानक आग लगने की घटना होने लगी। ये सब कुछ संदेह के दायरे में आ रहा था। मामले को लेकर पुलिस की टीमों का गठन कर पड़ताल करवाई गई। मुखबिर तंत्र को भी मजबूत किया गया। इससे सामने आया कि परिवार का एक सदस्य मेडिकल से जुड़ा है और उसे केमिकल आदि के बारे में पूरी जानकारी है, तो पुलिस ने जब घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए तो डीवीआर में भी आग लग गई। पुलिस ने आग लगने पर मामले की तह में जाने का प्रयास किया तो पुलिस को दूर रखने के लिए पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई की नौबत आ गई। इतना होने के बाद संदेह और बढ़ गया। इस पर कोर्ट से आदेश लेकर एक बच्चे के दफनाए गए शव को बाहर निकलवाया गया और उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि बारबिट्यूरेट्स जहर दिए जाने से बच्चे की